नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ कृतिका कटोच। अमेरिका के एक स्कूल में फायरिंग, एक बच्चे की मौत, 5 छात्र घायल। हमले के बाद आरोपी ने खुद को भी मारी गोली। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी लाल सागर में नहीं थम रहे हमले, हुती विद्रोहियों ने फिर से ड्रोन से बनाया निशाना। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर फिर से खालिस्तानी हमला, 14 दिन में दूसरी घटना। काली पोत बोर्ड पर लिखा, मोदी आतंकवादी, खालिस्तान जिंदाबाद। पूर्व इंडियन नेशनल लोक दल विधायक दिलवांग सिंह के घर ईडी की छापेमारी के दौरान 5 करोड़ कैश रुपए, विदेशी हथियार और 300 जिंदा कारतूस बरामद हुए। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने यूपी में बदले 18 आईपीएस और 12 जिलों के एसपी, आईजी और डीआईजी। शरद पवार बोले, भाजपा सत्ता में है और उन्होंने एक ऐसा प्रचार सिस्टम बनाया हुआ है जो बहुत उग्र है। भाजपा ऐसे काम कर रही है जैसे हिटलर ने जर्मनी में प्रोपोगंडा सिस्टम चलाया था। करीब एक साल बाद एक बार फिर मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। हिमाचल के गिरिपार के हाटियों को जनजातीय दर्जा देने के कानून पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मिजोरम में भूकंप के झटके, 3.5 तीव्रता के साथ कांपी धरती। फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं। उत्तरी भारत में कांपने वाली ठंड, तापमान गिरने से बड़ी शीतलहर, अगले हफ्ते तक मिल सकती है राहत। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें देखने के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।